जनपद फिरोजाबाद में 36 घंटे पूर्व एका क्षेत्र में हुई साधु की सनसनीखेज हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। नशा करने के बाद बाबा आए दिन लोगों को गालियां दिया करता था। इसी बात से गुस्साए युवक ने बाबा से कहा सुनी के बाद मारपीट की, जिसमें बाबा की मौत हो गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से खून से सने हुए कपड़े बरामद कर जांच के लिए भेजे हैं और आज एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया। फिरोजाबाद पुलिस कस्टडी में खड़ा हुआ ये युवक छोटे उर्फ सुनील है, जिसने 36 घंटे पूर्व थाना एका इलाके में एक साधु विजय दीक्षित नामक बाबा की हत्या कर सनसनी पैदा कर दी थी। पुलिस ने शक के आधार पर सुनील को हिरासत में लिया था। सख्ती से पूछताछ के बाद हत्याकांड का सच सामने आ गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे मृतक साधु आते जाते लोगों के साथ नशे में गाली गलौज करता था, जिसको लेकर बाबा और सुनील में मारपीट हुई थी, जिसमें सुनील ने साधु की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को संगीन धाराओं में जेल भेज दिया। ये प्रकरण थाना एका जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें अभी कुछ दिन पहले एक उसी कस्बे में ही एक विजय दीक्षित उर्फ बाबा नाम के व्यक्ति का शव उन्हीं के एक कोठरी में मिला था। उसमें खून इत्यादि लगा था, मुंह पर चोटें थी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी तफ्तीश हुई और रिकॉर्ड 36 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसके तह तक पहुँच करके उस जो असली कातिल था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये कातिल का नाम छोटे ठाकुर उर्फ सुशील कुमार तोमर है और ये उसी कस्बे का रहने वाला है, यद्यपि इसका मोहल्ला अलग है। जो खुलासे में बात सामने आई है, मर्डर करने का कोई बहुत विशेष मकसद नहीं था। उस दिन वहाँ पे शादी थी और ये जो मुलजिम पकड़ा गया है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, शराबी है, नशेड़ी भी है। इसी प्रकार से विजय दीक्षित उर्फ बाबा भी काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे और उनकी एक समस्या थी कि वो गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा करते थे शराब पीकर। तो लोगों के अनुसार और विजय दीक्षित के जो नाना हैं उनके अनुसार और इसके द्वारा भी पूछताछ हुई तो उसके भी अनुसार ये बात सामने आई है कि काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे, उसमें शराब गांजा इत्यादि भी शामिल है और नशे में काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे। ये लड़का जो विजय यहाँ पे जो छोटे ठाकुर है वो भी उसमें शामिल होने गया था शादी में, उसी दौरान के बीच में काफ़ी झड़प हुई और फिर गुत्थम गुत्था हुई, लड़ाई कुश्ती हुई, मारपीट हुई। उसके बाद चूँकि शराब काफ़ी पीते थे वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे विजय दीक्षित उर्फ बाबा, तो उनका उन्हीं की कोठरी में इसने उनकी हत्या कर दी और जब ये बेहोशी की हालत में आ गए तो यहाँ से भाग गया था। इसके कब्जे से इसके द्वारा छुपाए गए खून से सने कपड़े पुलिस ने बरामद किए हैं और फील्ड यूनिट ने उसके मिलान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की है और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसी ने विजय दीक्षित उर्फ बाबा की हत्या की है। तो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और जो कि कनेक्ट कर रहे हैं घटना स्थल और घटना करने वाले को, इसे जाहिर हुआ है कि घटना इसी छोटे ठाकुर सुशील तोमर ने की है और इसको आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें और भी यदि किसी लोगों का हाथ आएगा तो आगे की विवेचना में वो हम स्पष्ट कर देंगे, विवेचना अभी खुली रखे हुए हैं। ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस खुलासे में जो मददगार हुआ एक छोटे बच्चे के द्वारा वीडियो बनाया गया था, जिसके कारण से पूरा दृश्य सामने आ सका और इसके द्वारा जब इससे पूछताछ की गई हिकमत अमली से तो इसने पूरी बात बयान की और अपना जो खून से सना कपड़ा था वो भी इसने बरामद करवाया है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्लोज किया है, बाकी विवेचना जारी रहेगी। कुछ और लिंक सामने आएंगे, जैसे कि इसका कोई मदद तो नहीं किया है या कोई और उस समय तो नहीं था या इसका किसी ने साथ तो नहीं दिया या किसी ने उकसाया नहीं, तो उस प्रकार की चीज़ों पर भी अभी हमारी विवेचना जारी रहेगी और इसमें जो जो भी दोषी आएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की। सर, हत्या किससे की गई थी इसकी? इसमें इसके द्वारा बताया गया कि हाथों के द्वारा ही मारपीट की गई है और जब वो गिरा है तो चूंकि ईंट का फर्श था तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें मुंह पे आई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 5 चोटों का जिक्र है जो ख़ास तौर पर मुँह की एरिया में केंद्रित हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो इसके द्वारा बताया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और जो
पंचायतनामा के वक्त जो देखा गया वो सारी प्रकार की चोटें सेम हैं। सर ये हत्या के बाद अभी तक कहाँ छुपा रहा? ये छुपने का प्रयास करता रहा, लेकिन जब वीडियो सामने आ गया है उसके बाद से जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो पुलिस टीम इसके पीछे लग गई और उसमें सारी इसको गिरफ्तार करके इसको कपड़ा उससे बरामद कर लिया गया है।